Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number 5 is going on, right? Health and hygiene. What we have learnt in our chapter number 5? We learnt all the things about health, hygiene and first aid, right? ये सारी की सारी चीज़ें हमने learn की ना, समझा ना इन सारी की सारी चीज़ों को. In today's session, I am going to explain you all the things about fractures, animal bites, diseases and their causes and communicable diseases. ये session में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे. But before I start explaining today's session, let me revise you all the things. फटाफट से ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको revise करवा देती हूँ. Point number one, health. Health को maintain करने के लिए we must eat a balanced diet and exercise regularly to stay healthy. हमें health को maintain करने के लिए एक तो सबसे पहले हमें balanced diet को balance करके खाना चाहिए और exercise regularly करनी चाहिए, right? Now balanced diet में हमें क्या खाना चाहिए? All the things full of न्यूट्रिएंट्स. हमें ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो. तो किस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हो. क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें फुल्ली खानी चाहिए. फिर किस एक्सरसाइज करना है, हमें बॉडी को रेस्ट भी देना है और हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन भी करना है. अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 to 8 hours तक की हमें रेस्ट करनी है और ख़ास करके बैक के पोस्चर को भी मेंटेन करना है, कंपलसरी. क्लियर किड्स? नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक. पॉइंट टॉपिक नंबर 1, फ्रैक्चर्स. आज का पहला टॉपिक है हमारा फ्रैक्चर्स. बट अभी हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया. हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाइजीन, सबसे पहले हमें हमारे बॉडी की क्लेनलीनेस को मेंटेन करना है. क्लेनलीनेस हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो हम 2 times डेली बाथ लेंगे, हम कोई भी मील को खाएंगे उससे पहले वी आर गोइंग टू वॉश आवर हैंड्स. फिर हम कोई भी मील को खाने के बाद हम हमारे मुंह को, माउथ को रिंस करेंगे. डेली दिन में 2 times ब्रश करेंगे, हमारे हैंड्स वॉश करेंगे आफ्टर टॉयलेट के बाद हम. फिर हम हमारे फिंगर नेल्स को ट्रिम करके रखेंगे, नेल्स को, राइट? फिर हम हमारे कोई भी पर्सनल थिंग्स है, कॉम्ब्स है, हैंकरचीफ्स है, सॉक्स है, ये सारी की सारी चीज़ों को भी क्लीन रखेंगे. फिर है हमारा पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट एड. फर्स्ट एड हम किसको देते हैं? द फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और शी इज़ टेकन टू अ हॉस्पिटल. फर्स्ट एड उसे देते हैं जो कोई भी पर्सन इंजर्ड हुआ होता है, उसको हॉस्पिटल के ले जाने से पहले एक छोटी सी ट्रीटमेंट घर पे ही दी जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड बोलेंगे. क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड. फिर हमने क्या पढ़ा था उसमें? बर्न्स और फिर फायर, राइट? फायर में हमने उसके वेज देखे थे कि किसकी केयरलेसनेस से हमारे घर पे फायर लग सकती है. एक तो हमें मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, कैंडल से नहीं खेलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स अगर हमारे घर पे उसको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है लाइक स्टोव, आयरन, हीटर, उससे बिल्कुल भी खेलना चाहिए नहीं. फिर हम हमारे अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे? तो कि हम फायर के आजू बाजू में जाने वाले हैं, किचन में काम करने वाले हैं, तो हमें किस टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए? किस टाइप के? नायलॉन और सिंथेटिक टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए नहीं. हमें कौन से टाइप्स के क्लोथ्स प्रीफर करने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे. कि छोटी फायर है तो हम पानी डाल के भी बुझा सकते हैं. अगर कोई भी है इलेक्ट्रिक से लगा है तो हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक से लगा है तो हमें फटाफट से सैंड डालनी है और फायर स्टेशन को
कॉल करना है। मैंने बोला था ना आप लोगों को मोबाइल में चेक करने के लिए कि फायर स्टेशन का नंबर आपके मोबाइल में है कि नहीं है। आप लोगों ने चेक किया? किया नहीं किया तो अभी कर लो आप, ओके, वीडियो देखने के बाद। बर्न्स, बर्न्स अगर जला हुआ पार्ट है तो छोटा है तो हम उसको 10 to 15 मिनट्स कोल्ड वाटर के नीचे रखेंगे। अगर बहुत बड़ा बर्न्ट हुआ है तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे? डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये सब कुछ पढ़ा था ना, आज के सेशन में हमारा पॉइंट नंबर है फ्रैक्चर्स। लेट्स बिगिन दैट। अ क्रैक्ड और अ ब्रोकन बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। हमारा, हम किसी भी जगह से गिर जाते हैं, व्हेन वी फेल डाउन, तो उस टाइम पे हमारे बोन में क्रैक आ जाती है, बोन है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो उसको क्योर करने के लिए हमारे बॉडी में क्या आ जाता है, मतलब कि उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। सम ऑफ द साइन दैट अ बोन माइट बी फ्रैक्चर्ड आर एज फॉलोज। अभी पता कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में, हमारे बोन में फ्रैक्चर है? तो उसके साइंस होते हैं कि उसको देख, ये सारी की सारी चीज़ अगर होती है तो क्या होगा उसमें, हमारे मसल में फ्रैक्चर, बोन में फ्रैक्चर होता है, राइट। तो कौन कौन सी साइन है? साइन नंबर वन, पेन एंड स्वेलिंग इन द इंजर्ड एरिया। पेन भी होता है और स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब सोजो आवी जाए, स्वेलिंग जाडू जाडू पार्ट थी जाए ना, जहाँ दुखावो भी था तो होय अने स्वेलिंग भी आवी गयु होय, ई भी इंजर्ड एरिया में, हमें कुछ बहुत बुरी तरह से लग गया है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, राइट। तो हमें क्या होता है, हम तो सिर्फ गिरे हैं, ब्लीडिंग ही हुआ है, बट वो एक दो दिन के बाद उसको रिकवरी नहीं आती है, उसमें स्वेलिंग होती है और बहुत सारा पेन होता है। उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे सिर्फ इंजर्ड नहीं हुआ है, वहाँ पे फ्रैक्चर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर टू, द इंजर्ड एरिया इज आउट ऑफ स्पेस। इंजर्ड एरिया होता है ना, वो स्पेस से आउट हो जाता है, मतलब कि कुछ भी लगा होता है ना, वो सपोज ये हमारा हैंड है, राइट, तो हैंड्स तो हैंड्स की ही जगह होते, बट इतनी अगर फ्रैक्चर होता है तो वो अपनी पोजीशन से बाहर आ जाता है, अपनी जो प्रॉपर पोजीशन होती है ना उससे वो बाहर हो जाता है, आडू अवड़ू थी जाए, बाहर निकली जाए, ऊँचू नीचू थी जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे फ्रैक्चर है। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। मतलब मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, कैसे कि बहुत सारा पेन हो रहा है तो हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते, अगर फ्रैक्चर नहीं है ना तो हम इजीली, कुछ भी लगा है, स्वेलिंग है तो हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, पेन होता है पर इतना नहीं होता, बट फ्रैक्चर वाले पेन में बहुत बहुत मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इन शॉर्ट हम मूवमेंट कर ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे बॉडी में फ्रैक्चर है। तो ये सारी की सारी साइन थी किसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट इंजर्ड है, उसमें फ्रैक्चर है कि नहीं है। क्लियर किड्स? नाउ फर्स्ट एड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स। भी फर्स्ट एड को कैसे फॉलो करेंगे जब हमारे बॉडी में फ्रैक्चर हो तब? तो उसमें है पॉइंट नंबर वन, ट्राई टू काम द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन को काम रखने में हमें एक तो हेल्प करनी है, उसको शांति से बिठाओ, उसको काम शांत रखाना है उसको, राइट। सबसे पहला ये करना है फर्स्ट एड में। फिर पॉइंट नंबर टू, डू नॉट ट्राई टू मसाज और मूव द इंजर्ड एरिया। अगर किसी को बहुत लग गया है, एक तो उसको उस पार्ट में मसाज नहीं देना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्ट में मूवमेंट नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना है? मूवमेंट भी नहीं करवाना है और उस पार्ट में कोई भी मसाज भी करवाना नहीं है। क्लियर किड्स? नाउ पॉइंट नंबर थ्री, आइस मे बी अप्लाइड टू कंट्रोल द स्वेलिंग। सबसे पहले क्या करना है, आइस आता है, आइस पता है ना, बर्फ, आइस को उस पार्ट के ऊपर रखना है, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग आएगी
नहीं, और वो इंसान बच जाएगा, उसको ज़्यादा होगा नहीं पेन। अगर हम दूसरा कुछ करते हैं तो पेन होगा, बट आइस को रखने से स्वेलिंग कम आएगी और उसका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर किड्स? नाउ पॉइंट नंबर 4, यूज अ क्लोथ स्लिंग और अ स्प्लिंट टू प्रिवेंट मूवमेंट इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर इन द हैंड। अगर हैंड में फ्रैक्चर आने के चांसेस होते हैं तो हमें क्या करना है कि उसको उस पार्ट को रैप कर देना है कोई भी क्लोथ से, स्लिंग से, ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट मेरा तो ऐसा कहना है किड्स, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? हमें डायरेक्टली किसका कांटेक्ट करना चाहिए? डॉक्टर का। क्या है? किसका? डॉक्टर से पहले हम कर सकते हैं, बट आइस लगाओ, शांति से कामनेस रखो, क्लोथ को रैप कर दो, बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा करना नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज सून एज यू कैन। किसी को भी चोट लगी है, कोई भी पेशेंट हो, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके उतना हमें उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। तो ये थी फ्रैक्चर क्या है और फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, किस तरह से आ सकता है, और फ्रैक्चर्स फर्स्ट एड में कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा ना। नाउ आवर टॉपिक नंबर 2, एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स, द मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट्स आर कॉज्ड बाय पेट्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स। बाइट्स फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स कैन बी डेंजरस। किड्स, मोस्ट ऑफ एनिमल बाइट्स हमने किसके सुने होंगे? एनिमल बाइट्स मतलब कोई भी एनिमल है जो हमें काटता है, बाइट करता है। साइंबड़ू से कुतरू कैडी गयू, बिलाड़ी कैडी गई, मतलब ये क्या हुआ कि उन लोगों को एनिमल बाइट किए, एनिमल ने उसको बाइट किया। तो एनिमल कोई भी हमें बाइट करता है तो उसके जो जर्म्स और ये सब कुछ होता है बाइट करने से हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं। क्लियर? तो ये एनिमल बाइट्स होते हैं, उसको कैसे हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, तो के फर्स्ट एड में एनिमल बाइट्स में क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, वॉश द वाउंड विद द सोप एंड वाटर। उस वाउंड को हमें सबसे पहले वॉश कर देना है। किससे वॉश करोगे आप लोग? सोप, साबुन और पानी से आप सबसे पहले उसको वॉश करोगे। फर्स्ट एड में आपको ये करना है। क्या करना है आपको फर्स्ट एड में? जब भी एनिमल बाइट हो तब अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड। फिर उस घाव पे, वाउंड पे आप लोग उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओगे, जैसे कि सोफ्रामाइसिन टाइप्स की कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम है वो फटाफट से आप उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे। कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज। फिर उसके बाद एक क्लीन बैंडेज से उसको कवर करना है। क्या करना है उसको? क्लीन बैंडेज से उसको कवर करना है। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। फिर फटाफट से उस इंजर्ड पर्सन को कहाँ पे लेके जाना है? हॉस्पिटल में लेके जाना है। क्लियर किड्स? तो ये थी एनिमल बाइट्स की फर्स्ट एड। सबसे पहले पार्ट को सोप और वाटर से वॉश करो, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, फिर उसके बाद कॉटन बैंडेज अच्छा वाला, क्लीन वाला अप्लाई कर दो और फटाफट से उस पर्सन को हॉस्पिटल पे लेके जाओ। तो यहाँ पे एनिमल बाइट्स का क्लियर। नाउ आवर पॉइंट टॉपिक नंबर 3, डिसीसेस एंड देयर कॉजेस। कि डिसीसेस तो होती है, फिर हम उसको कैसे कॉज होती है हमें वो भी देखना है, राइट? डिसीज इज अ स्टेट इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज नो लॉन्गर हेल्दी। डिसीज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में जिस पार्ट में भी होती है वो पार्ट ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रह पाता नहीं है। जैसे कि हमें फीवर हो गया है, राइट? तो हमारे पूरे के पूरे बॉडी में फीवर तो होता है, तो वो पूरा का पूरा बॉडी अनहेल्दी फील करता है, पूरे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अगर हमें हेडेक हो रहा है, राइट? तो वो पार्ट भी हेल्दी रहेगा नहीं। कितना दर्द करता है, 6 आवर्स, 4 आवर्स, जितनी भी तक हमें हेडेक रहता है जब तक हम मेडिसिन ना लें, तो वो पार्ट हेल्दी रहेगा नहीं, मतलब उतनी बुरी तरह से हमें हेडेक होता है। कोई भी पार्ट में कोई भी इंजरीज हो, कुछ भी लगा हो, डिसीसेस हुआ है, स्टमक पेन कुछ भी, तो वो पार्ट मतलब उसमें हेल्दी है नहीं।
इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट और पुअर हाइजीन। अगर डिसीज हमारे बॉडी में होती है तो उसके कितने रीज़न होते हैं? फोर रीज़न होते हैं, थ्री से फोर रीज़न होते हैं। कौन कौन से? एक तो इम्प्रॉपर डाइट, हम प्रॉपर वे में डाइट करते नहीं है, उस वजह से हमें क्या होता है, हमारे बॉडी में डिसीज आ जाती है। हमें डाइट तो अच्छी तरह से ही खाना चाहिए ताकि हमें डिसीज हमारे बॉडी में ना। फिर दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि हमारे बॉडी में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस वजह से भी हमारे बॉडी में डिसीज आ सकती है, क्योंकि हमारे बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं, तो एक लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है। फिर आता है रेस्ट, अगर हम प्रॉपर वे में रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में डिसीज आ सकती है। हम बहुत सारा वर्क करें थ्रू आउट द डे, हमारा बिजी स्केड्यूल है, ये सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा, हम रेस्ट अच्छी तरह से नहीं ले रहे तो भी हमारे बॉडी में डिसीज आ सकते हैं। फिर है पुअर हाइजीन, अगर हम हमारी सेल्फ को क्लीन नहीं रख रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी में डिसीज आ सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ताकि हमारे बॉडी में डिसीज ना आए। नाउ डिसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डिसीज कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की, नंबर वन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड नंबर टू कम्युनिकेबल डिसीज। डिसीज कितने टाइप्स की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज आर देयर, नंबर वन नॉन कम्युनिकेबल एंड नंबर टू कम्युनिकेबल। नंबर वन नॉन कम्युनिकेबल एंड नंबर टू कम्युनिकेबल डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न कम्युनिकेबल डिसीज, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कोई किसी का भी इन्फेक्शन हमें लग सकता नहीं है, क्लियर। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने बोला ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता नहीं है। लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज अ टाइप ऑफ डिसीज नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज। एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज आर गिवन बिलो। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में उसकी लैक है, मतलब कमी है, लॉन्ग टर्म्स है। हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है, कभी कभी हम न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट कम है, फैट कम है, प्रोटीन कम है, विटामिंस कम है, तो वो चलता है। बट एक लॉन्ग टाइम से कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है तो उस वजह से हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीज हो सकते हैं, और वो डेफिशिएंसी डिसीज नॉन कम्युनिकेबल होंगे। क्या होंगे? नॉन कम्युनिकेबल होंगे, क्योंकि जो बॉडी में हम खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स हमें ही मिलने वाला है, राइट? दूसरों को तो मिलेगा नहीं। जो हम नहीं खा रहे हैं उसकी लैकिंग भी हमें ही होने वाली है, राइट? तो वो डिसीज नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज किस टाइप्स के हो सकते हैं? जैसे कि हमें स्कर्वी हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, गोइट्रे हो सकते हैं। ये सारी की सारी डिसीज हमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हो सकता है। ये स्कर्वी क्या है? स्कर्वी में होता है हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी वाला कोई भी फूड नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है? स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्कर्वी है, हमारे बॉडी में विटामिन सी पूरे अच्छे वाले प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है? तो उसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो गम्स होते हैं ना उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, टीथ का गिरना, टीथ गिरते हैं, एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे जितने भी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं ना उसमें स्वेलिंग रहती है, सूजन, सोजोरे क्या हो जाता है, स्वेलिंग्स होती है, टीथ गिरते हैं और गम्स जो होते हैं उसमें से ब्लीड होती है। तो ये किसके सिम्टम्स है? स्कर्वी डिसीज के। किसके? स्कर्वी डिसीज। फिर बारी आती है रिकेट्स। रिकेट्स
किसकी डेफिशिएंसी होते हैं? रिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमें कौन सी वाली डिसीज हो सकती है? रिकेट्स वाली। भी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कि ट्विस्टेड और बेंट लेग्स एंड वीक बोन्स। हमारे बोन्स होते हैं वो वीक होते हैं, उस वजह से हमारे लेग्स बेंट हुए होते हैं। मतलब अपना जो पग हो किड्स, ये वो नाजुक हो, बोन्स होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं। बट ये रिकेट्स जिसको ना, उसके बोन्स बहुत ही वीक होते हैं, उस वजह से उसके बोन्स दूसरे शेप के हो जाते हैं। पैर के जो शेप होने चाहिए वैसे होते नहीं है। तो ये उसका बिग सिम्टम्स है, राइट। फिर थर्ड वाली डिशेज है गोइट्रे, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन तो हमें खाना ही चाहिए, राइट, सॉल्ट एंड एवरीथिंग। अगर वो हम नहीं लेते तो गोइट्रे जैसी हमें डिसीज हो सकती है। स्वेलिंग इन द नेक रीजन, हमारा जो नेक होता है ना, उसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? कि हमारे गले में बहुत बड़ा स्वेलिंग हो चुके है, हमारी जो नेक होती है ना इतनी बड़ी फूल जाती है। तो ये गोइट्रे की एक सिम्टम है जिससे हमें पता चलेगा कि ये डिसीज हमें है। तो हमें आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। क्लियर। नाउ अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। भी दूसरी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है? सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी समटाइम्स फंक्शन पुअरली एंड लीड टू डिसीज सच एज डायबिटीज, आर्थराइटिस एंड हार्ट डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? किसी को डायबिटीज होता है, उसका इन्फेक्शन हमें लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि उसके बॉडी में कोई भी लैक हो रहा है, या तो उसके बॉडी के पार्ट्स कोई भी पुअर वर्क कर रहे हैं तो उसको ही बीमारी होगी। हमें उसके इन्फेक्शन या तो फिर उसका कुछ लग सकता नहीं है, बिकॉज वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, आर्थराइटिस एंड हार्ट डिसीजेस। दूसरों को हार्ट प्रॉब्लम है तो वो तो हमें इन्फेक्ट होगा नहीं, राइट। तो ये सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज थे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन लीड टू डिसीजेस सच एज कैंसर। किड्स, स्मोक करना, जो लोग सिगरेट्स पीते हैं उसको स्मोकिंग करना कहते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल भी हमारे बॉडी में बहुत ही इंजरियस होता है, डेंजरस होता है, राइट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बाहर आप जाते हो बहुत सारे ट्रैफिक होता है ना, वहाँ पे पॉल्यूशन भी होता है। ट्रैफिक जितना है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, तो वो पॉल्यूशन हम ब्रीद करते हैं एयर में तो बॉडी में ही जाता है। तो बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। कैंसर भी कोई भी किसी को इन्फेक्शन देता नहीं है, तो वो सारी की सारी डिसीजेस भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आती है। क्लियर किड्स? नाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल हमने पढ़ लिया, अभी क्या करना है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन दे सकता है उसको कम्युनिकेट करके, राइट। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कॉन्टेक्ट में आता है तो वो डिसीजेस उसको उसके पास पास हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीजेस। दिस डिसीजेस आर कॉज्ड बाई जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। ये सारी की सारी डिसीजेस जर्म्स और इन्फेक्शंस के कारण होती है, समझ रहे किड्स? ये सारी की कम्युनिकेबल डिसीजेस किसके कारण होती है? एक तो जर्म्स के कारण और दूसरा इन्फेक्शन के कारण। दे मे स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कफ एंड स्नीज और थ्रू जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वो कैसे एक दूसरे से स्प्रेड होती है? या तो फिर हम उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, या तो फिर किसी ने कफ स्नीज छींका, फिर हमने वो छींका बाहर, राइट। तो उसका भी वो ब्रीद एयर होता है, वो हम ब्रीद कर लेते हैं, इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है, उसके जर्म्स हमारे में आ जाते हैं, राइट। तो उससे डिसीजेस कम्युनिकेबल हो सकती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड देयर सिम्टम्स आर गिवन बिलो। डिसीजेस
कौन कौन से डिसीजेज है जो कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से दूसरे लग को लग सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, मलेरिया, पोलियो, ये सारे के सारे डिसीजेज कम्युनिकेबल है। मतलब मुझे है तो मैं दूसरे पर्सन को कांटेक्ट में आ रही हूँ, उससे बात किया, हैंड शेकिंग किया, ये सब कुछ किया है, राइट, तो उसको भी हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल है कोरोना। हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, दूसरों को टच नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, करते हैं ना। तो कोरोना है वो कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है? क्या है किड्स, कम्युनिकेबल है, राइट। तो ये सारी की सारी डिसीज भी कम्युनिकेबल है। तो वो किससे स्प्रेड होती है, कॉमन कोल्ड किससे स्प्रेड होता है, तो के वायरस है, तो वो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वायरस अंदर जाता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है। उसके सिम्टम्स क्या है, रनिंग नोज, सर्दी थी गई वो नाक माथी सर्दी थी गई हुई, राइट, तो रनिंग नोज होती है, तो वो एक सिम्टम है उसका। फिर फीवर आ जाता है, ताव आ भी जाए, हेडेक, सर में दर्द करता है, सोर थ्रोट, गले में दुखता है, वो घनी बार दुखे ना, हम सर्दी ने उठे गई तो केव दुखे अपन है, एंड कफ हो जाता है हम लोगों को। तो ये सारे के सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है जिससे डिसीज स्प्रेड होती है। फिर है टाइफॉइड। क्या है टाइफॉइड? टाइफॉइड में जर्म्स में क्या होता है, उसके बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और टाइफॉइड है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कि एक तो बहुत हाई फीवर आ जाता है, बहुत हाई फीवर होता है, फिर हेडेक होता है, हमारे बॉडी में रैशेज आ जाते हैं ऑन द चेस्ट एंड द स्टमक। चेस्ट में और स्टमक में क्या आ जाता है, रैशेज, रेड रेड करके, हम स्क्रैच करके रेड, बहुत ईचिंग कर लेते हैं तो रैशेज हो जाते हैं ना, ऐसे रैशेज चेस्ट में और स्टमक में आ जाते हैं। तो वो किसके सिम्टम होंगे, टाइफॉइड के। किसके? टाइफॉइड के। नाउ है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजो के जर्म से कम्युनिकेबल होता है, तो उसके कौन कौन सा सिम्टम्स होते हैं, तो कि एक तो फीवर आता है, कॉन्स्टेंट शिवरिंग, ध्रुजवारी, एकदम ध्रुजतुज हो बॉडी, अने वॉमिटिंग, कॉन्स्टेंटली उस पर्सन को वॉमिटिंग होती रहती है, तो ये किसके सिम्टम्स है, मलेरिया के, राइट। नाव है पोलियो। पोलियो भी वायरस से कम्युनिकेट करता है, राइट, वो वायरस हमारे बॉडी में आ सकता है। उसके सिम्टम्स क्या हुआ, तो कि इंसान केसेस सोर थ्रॉट, गले में दुखना, फैटिग, नोसिया, डायरिया हो जाना, फीवर आ जाना, एंड वॉमिटिंग। इन सम अदर केसेस पैरालिसिस, पोलियो में पैरालिसिस भी आ सकता है। पैरालिसिस में क्या होता है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो हिल ही नहीं पाता। अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं, कोई भी काम करेगा नहीं, उस पैर है तो पैर भी काम करेंगे नहीं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स थे पोलियो के, वो भी है कम्युनिकेबल, राइट। नाउ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट डिसीजेस आर गिवन बिलो। अभी हम डिसीजेस को कैसे उसको प्रिवेंट करें, उसके कोई कोई वेज है जो हम देखते हैं। उसका है पॉइंट नंबर 1, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स प्रिवेंट डेफिशिएंसी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब हम बैलेंस डाइट में हम डाइट लेंगे तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से और कोई भी डेफिशिएंसी से इजीली बच सकते हैं, तो ये सारी की सारी डिसीज हमें कभी होगी नहीं। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस को हमारे बॉडी में आने से बचना है तो हमें क्या करना है कि उसके जर्म्स को फैलने से रोकना है। कोई भी अगर इन्फेक्टेड है तो उसको बोलो कि यूज़ हैंडकरचीफ, वॉश योर हैंड्स। उस वजह से क्या होगा कि वो पर्सन अपना हाइजीन मेंटेन करेगा तो वो दूसरों को स्प्रेड, जर्म्स स्प्रेड कम होंगे और दूसरे के इन्फेक्शन से कम दूसरों को डिसीजेज आएगी, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, दिस कैन बी डन बाई कीपिंग द इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम अदर्स। कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है,
जिसको कम्युनिकेबल डिसीज है तो उससे दूर रहो, और उसे भी बोलो कि आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आप जाओगे, आप ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में आओगे नहीं, आप अकेले ही रहो, राइट? तो उससे दूसरों को उसकी इन्फेक्शन लगेगी नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 4, सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। जर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते, तो उसको बढ़ाने से उसको नहीं बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, हमारे सराउंडिंग्स मतलब हमारी आजू बाजू के एरिया को क्लीन रखना है। क्या करना है, क्लीन रखना है, तभी कम से कम जर्म्स बढ़ेंगे नहीं, जर्म्स बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। अगर जर्म्स नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट होगा नहीं। नाउ लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अगर कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसको भी रोका जा सकता है वैक्सीनेशन को लेने से। वैक्सीन हम अगर लेंगे हमारे बॉडी में तो हम कम्युनिकेबल डिसीजेस से भी फाइट कर सकते हैं। वो हमारे बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, उससे हम कम्युनिकेबल डिसीज हमारे बॉडी में ज़्यादा एंटर होंगे नहीं, अगर एंटर भी हो गए तो वैक्सीन लेने से हम क्योर हो जाएंगे। क्लियर? नाउ ये वैक्सीनेशन क्या है, तो कि वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ पर्सन और एन एनिमल अ वैक्सीन। वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में डालने से हम डिसीज से वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। किसे प्रोटेक्ट करेगा, हमें वो डिसीज से प्रोटेक्ट करेगा। इट इज यूजुअली गिवन टू अ पर्सन बाय इंजेक्टिंग इट। ये जो मैंने बोला ना कि उसको इंजेक्टिंग इट करके, मतलब वैक्सीन हमेशा इंजेक्शन में ही देता है, इंजेक्ट करके। वैक्सीन ऑलवेज किसे देते हैं, इंजेक्शन में ही देते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीजेस। सारी की सारी वैक्सीनेशन अलग होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के लिए। सारी की सारी डिसीजेस में एक ही वैक्सीन होता नहीं है, जिसको जैसे डिसीजेस उसको वैसी वैक्सीन देते हैं, राइट? क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, फ्रैक्चर्स, एनिमल बाइट्स, diseases and their causes, communicable diseases and non-communicable diseases. Understand? Clear? Kids, in next session I am going to explain you about all the students book exercise. So you आपको अच्छी तरह से CW में copy करने में और answers को find करने में easy रहेगा। Kids, I shared a PDF with you, right? Of blanks or duals directed. Try to solve it by your own self. किसी की हेल्प ना लो तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 235, 236, 37, 38, 39, राइट? 40 तक है ये पूरा चैप्टर। रीड करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। सो किड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट एंड डू वन गुड कमेंट, ओके? तो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।